नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सखी रेनू बाला एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपनी लिखी एक नई कविता के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 17 जुलाई है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का दिन है, तो मैंने न्याय पर कुछ लाइनें लिखी है। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। और मेरी यह कविता आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। सुनिएगा। काली पट्टी है बंधी आँख में, काली पट्टी है बंधी आँख में, हाथ तराजू है तेरे, कहलाती हो तुम न्याय की देवी, रहती हो खड़ी अदालत में। पट्टी हो इसलिए बांध रखी, पट्टी हो इसलिए बांध रखी, ना पक्षपात हो कभी किसी से, समदृष्टि से सबको न्याय मिले, है हाथ तराजू इसीलिए। ना ऊंच नीच का भेद रहे, ना ऊंच नीच का भेद रहे, राजा हो या हो रंक कोई, सबको संभाव का न्याय मिले, अन्याय न होने पाए कोई। फिर भी है प्रश्न कुछ मानव का, फिर भी है प्रश्न कुछ मानव का, क्या होता न्याय सभी के संग, ताकत के जोर पे क्यों कुछ लोग मर्यादा न्याय की करते भंग। क्या गीता पर रखकर हाथ सभी, क्या गीता पर रखकर हाथ सभी, सच्ची कसम ही खाते हैं सबूत गवाहों के बिना पे, जो इंसाफ दिलाए जाते हैं इस झूठी दुनिया में अक्सर, इस झूठी दुनिया में अक्सर ईमान खरीदे जाते हैं, चंद सिक्कों की खनक पे ये गवाह भी बदले जाते हैं। फिर कैसे न्याय मिले सबको, फिर कैसे न्याय मिले सबको, यह है समस्या गंभीर बड़ी, कानून के हाथ है बड़े बंधे हुए, कानून के हाथ है बंधे हुए, है पैरों में जंजीर पड़ी। इन सारे मुद्दों पर हम सब इस न्याय दिवस पर विचार करें, अन्याय न होने पाए कोई, खुद को इतना तैयार करें, ना जुल्म करें, ना जुल्म करें, ना जुल्म सहें, वक्त रहते न्याय की मांग करें, करें सम्मान इंसाफ की देवी का, कानून का दामन ना छोड़े, करे न्याय प्रणाली पर भरोसा, करे न्याय प्रणाली पर भरोसा, खुद को भी कर्म प्रधान करे। और अंत में जो भी न्याय से दुखी हो जाते हैं, जिन्हें न्याय मिलने में देर हो जाती है, उनके लिए ये पंक्तियाँ बहुत ही दिलासा देगी उन्हें। सुनिएगा। सबसे बढ़कर वो ईश्वर है, सबसे बढ़कर वो ईश्वर है, जो न्याय सदा ही करता है, उसकी अदालत में देर सही, अंधेर कभी ना होता है, अंधेर कभी ना होता है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।